हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवान स्वर। तो आज की रेसिपी आपको पता ही चल गया होगा, हम चने दाल से लड्डू बनाएंगे, बूंदी के लड्डू। सो इसके लिए मैंने एक कप चना दाल ली हूँ और उसे ओवरनाइट सोक करने दे, पानी में छोड़ दे, या 5 से 6 घंटे तक पानी में छोड़ दे। अब उसके बाद पानी उसे छान लें, देख सकते हैं मैंने उसमें पानी डालकर छोड़ दिया है चने दाल को। और अब हम 6-7 घंटे हो गए हैं, तब हम चने दाल अच्छे से फूल चुकी है, उसे उसकी पानी को हम छान लेंगे। अब बस इसे क्या करेंगे, मिक्सर के ग्राइंडर जार में लेंगे और बिना पानी के सिर्फ चना दाल जो जो सोख किया है पानी, बस अपना ही मॉइस्चर से इसे पेस्ट बना लेंगे। हल्का दरदरा आप देख सकते हैं इस टाइप का पेस्ट बना लेंगे। आपको फाइन पेस्ट नहीं करना है और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और बस इसे हम छोटे छोटे लोई बना लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से मुठरी टाइप। और सारे चने दाल जितने हमने ग्राइंड किए हैं हल्के दरदरे, उसे हम मोटे मोटे इस तरह से मुट्ठी बोल सकते हैं या मुट्ठी बांध लेंगे इस तरह से, और फिर हम इन्हें आगे का प्रोसेस करेंगे। सो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही इजी रेसिपी है। आपको लड्डू खाने का मन है तो आप घर में आराम से आसानी से लड्डू बनाकर खा सकते हैं। बस 2 इंची से चने दाल और थोड़ी सी चीनी की यूज होती है। और अब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे गैस पे और उसमें रिफाइंड ऑयल डालें या घी डालें, मैं ऑयल डाली हूँ रिफाइंड ऑयल। और हल्का तेल गर्म हो जाए, गुनगुना में ही ये सारे मुट्ठी जो हमने बनाए थे मुट्ठी चने दाल के, उसे हम डालेंगे बारी बारी से और इसे हम लो फ्लेम पे भूनेंगे, फ्राई करेंगे, तलेंगे, जो भी बोल सकते हैं आप। और इस प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। मेन प्रोसेस यही है, इस चने दाल के मुठरी को हम अच्छे से लो फ्लेम पे भूनेंगे ताकि हर तरफ से ये पक जाए और फ्राई हो जाए, कहीं से भी कच्चा ना रहे। सो हम पलट कर 10 से 15 मिनट तक एकदम लो फ्लेम पे लाल हो जाएगी तब हम निकालेंगे। सो इस तरह से हम फ्राई करेंगे। कुछ कुछ टूट भी सकते हैं ऑयल में, सो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम इनको हटा लेंगे। सो आप देख सकते हैं 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, हमारे चने दाल अच्छे से, ये चने दाल के पेस्ट फ्राई हो चुकी है। सो हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में, एक एक करके बारी बारी से सबको। और इस प्रोसेस में ही थोड़े टाइम लगते हैं और इसके बाद फिर बस दो से सारे हम मुठरी जो हमारे अच्छे से देख सकते हैं हल्के ब्राउन हो गया, कलर चेंज हो जाए, उसके बाद हम इसे बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से। और उसके बाद इसे हम थोड़े से ठंडे होने देंगे, 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे, ठंडा हो गया थोड़ा गर्म। इसे अब इसे हम तोड़ लेंगे, देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। और फिर से अब मिक्सर ग्राइंडर लेंगे, सो अब ग्राइंडर में लेके और इसे हल्का पेस्ट बना लेंगे पाउडर टाइप। बस देख सकते हैं इस तरह से दरदरा, ज़्यादा महीन भी नहीं करना है, थोड़ा दरदरा ही रखें। और इस तरह से हम पेस्ट बना लें। अब हम चलते हैं चाशनी की ओर। सो हम एक कप चने दाल लिए थे तो उसी अनुसार एक कप से थोड़े से ही कम चीनी लेंगे और कढ़ाई चढ़ाएंगे। इंडक्शन पे इस पर मैं कढ़ाई चढ़ा रही हूँ और वो चीनी डाल पैन में डाल देंगे और एक कप पानी डाल देंगे। और बस अब हम बॉयल आने देंगे, हमें चाशनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, बस एक बॉयल आना है। सो अब देख सकते हैं बॉयल आ चुकी है, इसी बस 1 से 2 मिनट तक हम पकाएंगे चीनी पानी को। और इस तरह से अगर अच्छे से बॉयल आ जाए उसके बाद हम वो जो ग्राइंड करके चने दाल का जो रखे हैं उसे हम डालेंगे। सो बस चीनी पानी में घुल चुकी है, अब थोड़ी थोड़ी बॉयल होने लगी है। अब बस 1 से 2 मिनट और पकाकर हम जो मिक्सचर हम तैयार किए हैं वो हम धीरे धीरे करके डालेंगे, देख सकते हैं ये। और इसे हम डालकर 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाएं, ज़्यादा देर आपको नहीं पकाना है, बस 2 से 3 मिनट तक। और अब बस गैस है जो ऑफ़ कर देंगे और 10 मिनट तक हम ऐसे ही छोड़ देंगे, देख सकते हैं 10 मिनट बाद इस तरह से हमारी बूंदी तैयार हो गई है और उसने सारी चाशनी ऑब्जर्व कर ली है। और बस इस थोड़े से ठंडे हो जाए उसके बाद हम थोड़े थोड़े से लेकर इस तरह से लड्डू जैसा बांध लेंगे। और अब आपको दिक्कत लग रही है ना, बिल्कुल बूंदी का लड्डू है। सो ये बहुत ही आसान रेसिपी है आपको बूंदी का लड्डू बनाने के लिए, आपको बूंदी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सेम फ्लेवर देता है और सेम टेस्ट। और बहुत ही इजी मेथड है, आप चने दाल आपके घर में है उससे भी आप बूंदी के लड्डू बना सकते हैं और टेस्ट बिल्कुल बूंदी के लड्डू जैसे होते हैं। आप एक बार इस तरह के लड्डू को ज़रूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो तैयार है हमारा बूंदी का लड्डू।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।